तो भाई एम 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 बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि भाई एम ढंग से नहीं लगा पाते हम। जी हाँ भाई, हम एम ढंग से नहीं लगा पाता यार हमारा। मतलब यार हम बंदों को मारते तो हैं, लेकिन यार 10 गोली पड़ती हैं, बाकी की 20 या 30 गोली भाई हवा में छूट जाती हैं। भाई क्या करें हम, ठीक है ना? कुछ समझ नहीं आता भाई, मतलब की हद हो रही है यार। ठीक है, तो आज इसका सॉल्यूशन तुम्हारा भाई लेके आया, जिससे भाई आज की वीडियो देख के ना, आज की वीडियो में कुछ स्किप करने लायक नहीं है, तो प्लीज़ यार आज की वीडियो को स्किप मत करना। मैं ना आज ज़्यादा भाई बातचीत करूँगा, सीधा आपको ट्रिक की ओर ले चलूँगा, मतलब कि ट्रेनिंग के ऊपर ले चलूँगा, और आपको बताऊँ इम्प्रूव करना है, वो भी भाई सिर्फ एक दिन के अंदर। जी हाँ, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, भाई इतना टाइम कोई नहीं रुक पाता यार। सबको लगता है कि जल्दी से जल्दी हो पाए, तो सिर्फ एक दिन के अंदर, एक दिन में आपको भाई चलूँगा आपके भाई BGMI में, और आपका एम भाई मैं सच बता रहा हूँ यार, मज़ा आ जाएगा, ऐसा एम करके देने वाला हूँ, ठीक है ना? तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है यार स्किप करने लायक, और अगर आप स्किप करते हैं तो यार फिर बात नहीं जमी यार, ठीक है ना? तो प्लीज़ यार स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है? स्किप करते हैं तो फिर वो भाई आपका ही उसमें लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है? तो इसमें आज मैं आपको 3-4 ट्रिक ऐसी बताऊंगा, जिससे आपका शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, भाई हर रेंज का आपका एम इम्प्रूव होगा, बिल्कुल हर रेंज का आपका एम इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको भाई चेयर पार्क में, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और भाई कितनी प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें आज बताऊँगा, सारी की सारी। आधे लोग तो भाई बोलते हैं भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में तो चले जाते हैं, 5-1 मिनट मन लगता है फिर बाहर आ जाते हैं, सोचते हैं चलो गेम खेलें, चलो भाई TDM खेल लें, उसी में प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं भाई, ठीक है ना? आज की वीडियो देखिए, आपको मज़ा भी आएगा गाइस, और आपको मतलब आप देखते जाइए अलग ही लेवल पे। भाई आपकी बार में बहुत चेंज करके लाया हूँ टॉपिक वीडियो का, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करना, और अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना। तो गाइस हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, ठीक है ना? अब आपको ये बोर्ड्स गिर रहे हैं, दिख रहे हैं, आपको ट्राई करना है गाइस कि एक स्प्रे में ये बोर्ड्स गिर जाए, सारे के सारे बोर्ड्स आपको एक स्प्रे में गिराने के ट्राई करना है गाइस, ठीक है ना? आई नो बहुत डिफिकल्ट होगा स्टार्टर्स बिगनर्स के लिए, लेकिन गाइस ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है। एक स्प्रे में आपको सारे के सारे बोर्ड्स गिराने हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। एक के एक स्प्रे में जिस दिन आप बोर्ड्स गिराने लगेंगे, आपका 80% तो वैसे ही इम्प्रूव हो जाने वाला है। तो गाइस एक ट्राई में आपको ट्राई करना है कि एक ट्राई में हम सारे बोर्ड्स गिरा दें। आप पहली बार जब करेंगे तो आप 5-6 गिरा पाएंगे, ठीक है ना? सेकंड टाइम करेंगे तो भाई और गिरा पाएंगे, थर्ड टाइम करेंगे तो और गिरा पाएंगे। और एक और चीज़ बता दूँ भाई, ये गलती मत करना, होशियार मत बनना, लेट के फायर नहीं करना है, खड़े होकर करना है। लेट के तो भाई 0 रिकॉइल रहता है, बॉट भी मार देता है, ठीक है ना? तो आपको खड़े रह के करना है भाई। मैं मान रहा हूँ टफ है, लेकिन भाई बहुत से लोगों का होता होगा, बहुत से लोग भाई कर रहे होंगे। आई नो मेरा भी इतना परफेक्ट नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितना परफेक्ट है उतने में गाइस, ठीक है ना? तो भाई प्लीज़ यार, मेरा भी बिल्कुल बहुत टाइम था, मैं सारे गिरा रहा हूँ एक स्प्रे में गाइस। ये एक टाइम था कि मेरे से 3 नहीं गिरते थे एक स्प्रे में गाइस, ठीक है ना? भाई इतना इंप्रूवमेंट किया एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर, वो भी कल की रात गाइस, ठीक है ना? मतलब वीडियो डाल रहा हूँ उसके परसों की रात, ठीक है ना? तो बहुत बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ है गाइस। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ पसंद आई होगी, ठीक है ना? उसके बाद आपको ये स्प्रिंट वाला करना है, ठीक है ना? स्प्रिंट चलते जाना है और फायर करते जाना है, ठीक है ना? स्प्रिंट चलते जाना है और कार्ड्स गिराते जाना है, सारे कार्ड्स गिरा देना है स्प्रिंट चलते हुए। यहाँ लाइन से स्टार्ट करना, और जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस सेम टू सेम आपको ऐसा ही करना है, ठीक है ना? अब कितनी देर करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं करना यार आपको, बस मतलब एक बार आओ भाई 20-1 मिनट करके चले जाओ, फिर आओ आधे 1 घंटे बाद, फिर 20 मिनट कर जाओ, फिर आधे 1 घंटे बाद आओ 20 मिनट कर जाओ, ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं, एक साथ टाइम है तो आप एक साथ और ज़्यादा बेटर है रहेगा, ठीक है ना? वैसे एक साथ इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता आजकल, रहता भी है तो इतना भाई पक जाते हैं यार लोग बाग ट्रेनिंग में, ठीक है ना? तो आपको बस यहाँ पे आना है स्प्रिंट से गिराने कार्ड, उसके बाद भाई आपको क्लोज रेंज के लिए क्या ट्राई करना है, विदाउट स्कोप गिराना है। अब बोले भाई पागल है क्या? नहीं भाई मैं पागल नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ, विदाउट स्कोप भाई कोई भी गिरा सकता है, मैं गिरा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं भाई, ठीक है? आप क्यों नहीं गिरा सकते अगर मैं गिरा सकता हूँ गाइस? तो मैं थोड़ी कोई भगवान हूँ, ठीक है ना? मैं इतने अच्छे से मतलब इतना प्रो नहीं हूँ जितना मैं भाई बातें बता रहा हूँ, लेकिन गाइस यार जो मैं बता रहा हूँ यार सच बता रहा हूँ, जब मैं गिरा सकता हूँ तो गाइस आप भी गिरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं है। विदाउट स्कोप आपको A to Z गिराने हैं, ठीक है ना? विदाउट स्कोप कराने का, इस विदाउट स्कोप कराएंगे, इससे क्या होगा आपका एम इम्प्रूव होगा काफ़ी हद तक एम इम्प्रूव होगा। अगर दूर से ना गिरा पा रहे हो तो आप पास क्लोज जा के गिरा सकते हैं, ठीक है ना? थोड़े क्लोज स्प्रिंट में जा के आप गिरा सकते हैं, ठीक है ना? तो इससे आपका क्या होगा गाइस, आप किसी से क्लोज कॉम्बैट फाइट करेंगे ना, तो गाइस आपका ऑटोमेटिकली एम बंदे पे जाएगा, क्योंकि आपको भाई ट्रेनिंग ही याद रहेगी कार्ड्स पे जो आपने विदाउट स्कोप किया था। आपके पास स्कोप नहीं रहता कोई सी कंडीशन में, लेकिन बंदा रहता है आसपास, मतलब आसपास बोल रहा हूँ थोड़ी
थोड़े दूर, तो आपको भाई स्कोप ही नहीं रहता, तो आप उसको नहीं मार पाएंगे। लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के बाद गाइस बंदा कितने ही दूर हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई इशू नहीं होने वाला है, आप इजीली बंदे को मार पाएंगे। गाइस आप इजीली बंदे को मार पाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक में तो यही था, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मेन चीज़ है, ठीक है ना। पहले आप इसी की प्रैक्टिस करते रहना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे गाइस उतनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है गाइस, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी क्लोज कॉम्बैट फाइट भी सुधरेगी गाइस, और आपकी भाई मतलब लॉन्ग रेंज में विदाउट स्कोप फाइट भी आपकी सुधर जाएगी, ठीक है। इससे आपके बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके हो जाएंगे। तो प्लीज़ यार वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है यार स्किप करने लायक। तो प्लीज़ यार वीडियो को स्किप मत करना यार, आई होप आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, मैं आपके ही फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप स्किप नहीं करेंगे गाइस तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ और सारी चीज़ें जो आपके लिए और मेन होने वाली हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जो आप लोग नहीं करते हैं, उसका करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप सच में एक अच्छा एम इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छे से मतलब स्किल्स लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो वो बहुत ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे ख्याल से तो अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई है, वो बताई हो तो भाई पता नहीं, अब मैं हर यूट्यूबर की वीडियोस तो देख नहीं पाता, ठीक है। तो गाइस ये ट्रिक है, लेकिन भाई बहुत अमेजिंग ट्रिक है, तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर से ज़रूर इस ट्रिक को फॉलो कर लेना, ठीक है। अब ये ट्रिक क्या है, देखिए आपको कहाँ जाना है, मैं बताऊँ गाइस आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में राइट साइड की ओर, जैसे मैं खड़ा हूँ इस साइड, राइट साइड ये दिखता होगा भाई, ठीक है। इसमें आना है, ट्रेन पे क्लिक करना है, डिफ़िकल्टी 1 चूज़ करना है आपको, और ये भाई ग्रीन वुश ग्रीन कार्ड्स पड़े हुए हैं, इसके पीछे आके आपको बैठ जाना है, और बस भाई यहाँ से उनका इंतजार करना है। ये बॉट बंदे जो भी रहते हैं इनको मारना है, यहाँ से इनको भाई मारते रहिए मारते रहिए, आपका खुद एम इम्प्रूव हो जाएगा, खुद आपका इतना एम इम्प्रूव हो जाएगा इतनी हद तक कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। अब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आप कर सकते हैं, इजीली करते रहिए, और कोशिश कीजिए इनके हेड पर लाएं। अब डिफ़िकल्टी 3 में तो हेड में ही इन पर डैमेज पड़ता है, लेकिन मैं आपको डिफ़िकल्टी 1 से स्टार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें भी बहुत टफ रहता है, वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 डिफ़िकल्टी 1 से आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। 3 भाई कोई कितना ही बड़ा प्लेयर हो आपको पता है ना, सीढ़ी चढ़ते जाइए, ठीक है ना, डायरेक्ट आसमान में मत पहुंचिए, सीढ़ी चढ़िए तो ही कुछ हो पाएगा, है ना। स्वर्ग ने कोशिश की थी स्वर्ग की सीढ़ी बनाने का, कुछ नहीं उखाड़ पाए भाई, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार सीढ़ी चढ़ते जाइए, सीढ़ी धीरे धीरे करते जाइए, डिफ़िकल्टी 1 से आपको चूज़ करना है, फिर आप धीरे धीरे डिफ़िकल्टी 2-3 पे आप इजीली स्विप कर सकते हैं। और गाइस ये आपने अगर अच्छे से कर लिया ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो भाई मैं कसम देता हूँ भाई, प्रॉमिस करता हूँ यार, आपका एम इतना हद तक इम्प्रूव हो जाएगा ना कि आप 1v4 तो क्लोज कॉम्बैट में लॉन्ग रेंज में इजीली कर देंगे यार। ये ट्रेनिंग करने के बाद गाइस मेरा गेम इतना इम्प्रूव हुआ ना, इतनी हद तक मेरा गेम इम्प्रूव हुआ है, तो मतलब यार सच में यार, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो भाई प्लीज़ यार इस ट्रेनिंग को करना मत भूलना, ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस ट्रेनिंग में आपको भाई देखिए आप इसने आपकी डिफ़िकल्टी जब 1 कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, डिफ़िकल्टी 1 जब आपकी भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आपको डिफ़िकल्टी 2 चूज़ करनी है, ठीक है ना। डिफ़िकल्टी 2 में क्या रहता है भाई, देखिए मैं बताऊँ, डिफ़िकल्टी 1 में क्या रहता है, डिफ़िकल्टी 1 में आप कहीं भी मारो डैमेज पड़ता है, ठीक है ना, पेट मेट सब में मारो, ठीक है। डिफ़िकल्टी 2 में शायद ऐसे ही कुछ फंडा रहता है, और डिफ़िकल्टी 3 में रहता है सिर्फ हेड से डैमेज पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक एक करके बढ़िएगा, ठीक है। और डिफ़िकल्टी 3 में जो जो वेव 1 तो आपकी हो जाएगी, लेकिन जो वेव 2-3-4 है ना गाइस, आप मतलब आपका पसीना छूट जाएगा उन्हें कंप्लीट करने में, मतलब बहुत टफ है यार वो, है ना। तो देखिए ये है, डिफ़िकल्टी 2 में लगा चुका हूँ, डिफ़िकल्टी 2 आप लगाइए, खेलिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस ट्रेनिंग ग्राउंड में करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको भाई टाइम कितना, भाई मैं बताऊँ टोटल टाइम 1 दिन, बस अगर आपको 1 दिन में सीखना है ना, तो 1 दिन भाई 4 घंटे दे दीजिए। 1 दिन में अगर आपको एम इम्प्रूव करना है आपका भाई जोनथन जैसा, तो भाई प्लीज़ यार 4 घंटे दे दीजिए। अगर आपको भाई आप चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, तो रोज़ 1-1 घंटा दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। 1 महीने के अंदर हो जाए तो रोज़ 10-10, 20-20 मिनट दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो भाई जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका भी बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, होगा मतलब। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही था, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आप अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे, तो मिलते न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय मेरे भाई लोग। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी सी देर, रुक जाओ यार। अगर आप भाई, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल फ्री में यूज ही चाहिए या फिर बिल्कुल फ्री में बिल्कुल रॉयल पास चाहिए, तो गाइस आप ले सकते हैं। कैसे,
अच्छा बताऊं तो गाइस देखिए, अगर आपको फ्री में रॉयल पास चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आने वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करके ले सकते हैं। और आपको बिल्कुल फ्री में यूज़ ही चाहिए, बिल्कुल फ्री में, तो हम भाई स्टेडियम टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके विनर बन के इजिली UGV अर्न कर पाएंगे। फ्री एंट्री है, इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए। तो वाह वाह नाउ, अब नहीं आऊँगा वो लौट के भाई, अब बाद में ही आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।